अभी फिर से ईयर का जो बचा हुआ था, ईयर का तो हमको लग रहा था उसी में कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया क्योंकि जगह नहीं था बोर्ड में, लंबा लंबा लिखा था एडीएम पेज। तो अभी ये चार वीडियो है, आप तभी देखेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ फायदेमंद है, तभी देखिएगा। द वॉल हैव ईयर्स, अच्छा वॉल्स का मतलब क्या होता है, दीवार, और दीवार हैव, दीवार के पास ईयर्स मतलब कान है। मैं बोलता कि दीवार का भी कान होता है, बगल में जाके सुन दरवाजे वापस, तो दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब कुछ बोलते समय सावधान रहे कि कोई सुन ना ले, दीवारों के भी कान होते हैं। ये तो आ रहा, ये तो आसान है, द वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, इसका मतलब ध्यान से बोलना ताकि कोई सुन ना ले, आराम से, है ना। ना बोलता है देख धीरे बोल बेटा, तभी दीवार देवल वो कान होगा, ठीक है धीरे बोल। तो दीवारों के भी कान होते हैं, अतः कुछ बोलते इसमें सावधान रहे। हालांकि ऑप्शन में ये मिलेगा, दीवारों के कान होते हैं ये तो लिखा हुआ है द वॉल्स हैव ईयर्स, लेकिन मिलेगा ये ऑप्शन में, कुछ बोलते समय सावधान रहे, कौशन रखे। टू बियर अ चार्म लाइफ, चार्म लाइफ का मतलब, चार्म का मतलब होता है आह खुश मिजाज चमचमाता हुआ जिंदगी। टू बियर अ चार्म लाइफ, अच्छा जिंदगी चार्म कब होगा, चमकेगा कब, तभी चमकेगा जब जादुई शक्ति कुछ हमारे साथ हो जाए, मतलब भाग्यशाली होना, जैसे कोई जादुई शक्ति सहायता कर रहा हो ऐसा भाग्यशाली हो जाना, उसको बोलते हैं चार्म लाइफ। कोकोना देखिए वीडियो में, आज अगर वीडियो डालते हो पहली बार वीडियो अगर डाला तो देखो तो ले रात भर में बन गए तू आदमी, है ना, तो उसको बोलते हैं ये चार्म लाइफ जिंदगी भर। ना बोलता कि साला जादू जिसन हो गया यार, मतलब टू बी आर अ चार्म लाइफ मतलब जिंदगी एकदम चमचम आ गया उसका, चार्म हो गया उसका, मतलब भाग्यशाली होना, जैसे कोई जादुई शक्ति उस पर मदद कर दिया गया हो, उसको बोलते हैं। टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ का मतलब क्या था, बहरा, ईयर मतलब कान, ना ना जो नहीं सुनता उसका बात रे बहर फुटा या, तो बहर फुटा यानी डीफ ईयर, मतलब जो कान बहरा देता है, और जब बहरा देता है तो इसको क्या बोलते हैं ना, आवाज देते हैं दूर चढ़ने वाले पर्वती के सुना उधर और बुरी बात बोलता। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब आवाज दे रहा है फिर भी के सुनता, टर्न कर दिया अपना डीफ ईयर, ऐसा कर दिया जैसे कि हम बहिर गए, तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब अनसुना कर देना, किसी की बात को सुनना ही नहीं। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब अनुभवहीन, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अनुभवहीन होना, अनुभवहीन हो जाना, मतलब अनुभवहीन मतलब कोई काम में कुछ लगन है ही नहीं, उसको बोलते हैं अनुभवहीन, अपरिपक्व इंसान, है ना, उसको बोलते हैं। जैसे वेटरनरी का मतलब होता है ना अनुभव, तो उसका अनुभवहीन है ये, जिसका कोई अनुभव है ही नहीं, कुछ नहीं है उसका अनुभव, उसको बोलते हैं अनुभवहीन होना, एलएस भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अनुभवहीन, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट का मतलब था गीला होना, मतलब कान भी गीला, कोई कुछ बोल रहा है तो कान भी भींग नहीं रहा, दूर हमरा का मतलब अनुभवहीन है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है अनुभवहीन होना, वेट बिहाइंड द ईयर्स अनुभवहीन। अभी देखिए कि चारों में से चारों में किसी का कोई ट्रिक नहीं है, क्यों ट्रिक नहीं है, क्योंकि सब हिंदी मीनिंग बस इसी में छुपा हुआ है, इसलिए इसका कोई यार ट्रिक नहीं है। तो ईयर का लास्ट था इसलिए ज्यादा भी ट्रिक नहीं बन सका, तो ईयर का खत्म हो गया। अब आगे या तो फिंगर आ जाए या तो कुछ भी आ जाए, बस अब आगे हम फिर से वीडियो में मिलते हैं। हम तो बार बार बोलेंगे कि अब देखिए अच्छे से देखिए, ये तो 5 मिनट का वीडियो 2 मिनट में देख लीजिएगा डबल फास्ट करके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।